गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। AKM इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक हम लोग का है समरसिबल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम विथ फ्लॉट स्विच। ठीक है, तो समरसिबल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम में फ्लॉट स्विच लगाए हैं हम, किस प्रकार लगाया जाता है, ये क्या काम करता है। देखिए, पहले तो आप जानिए कि फ्लॉट स्विच काम करता क्या है। तो फ्लॉट स्विच जो होता है पानी के टैंक में लगाया जाता है। ठीक है ना, टैंक में लगाया जाता है जिससे मोटर जो है अपने आप स्टार्ट होती है। अगर पानी भर जाता है तो बंद होती है, अब पानी नहीं रहता है तो अपने आप चालू हो जाती है। तो वो भी कब होगी, उसके लेवल के अनुसार, मतलब उसमें जो भी लेवल सेट किया रहता है फ्लॉट स्विच में। यहाँ पर जैसे जितना में फ्लॉट स्विच आप लगा दिए और वहाँ पर कि जैसे भी पानी फुल होगा यानी कि वहाँ तक पहुँचेगा, पानी का लेवल हाई होता है, पानी का लेवल हाई होगा यानी कि टैंक फुल हो जाएगा, तो क्या होगा, फ्लॉट स्विच जो है मोटर को ऑफ करता है। अब पानी का लेवल अगर कम होता है तो फ्लॉट स्विच जो है मोटर को स्टार्ट करता है। तो इसके डायग्राम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन से इक्विपमेंट लगे रहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, फर्स्ट में जो है हमारा यहाँ पर सप्लाई आ रहा है फेज, ठीक है ना, ये MCB। ठीक है, MCB के बाद से यहाँ पर जो है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच, ठीक है ना, ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच। ठीक है, उसके बाद से हमारा ये स्टॉप पुश बटन, यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन, ये हमारा कॉन्टेक्टर कॉइल, कॉन्टेक्टर कॉइल पर हमारा ये न्यूट्रल का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, पहले इसमें सिलेक्टर स्विच में ऑटो और मैनुअल, ठीक है ना, एक ऑफ भी होता है, एक ऑटो और मैनुअल। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग चलते हैं मैनुअल के तरफ से, मैनुअल में ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब मैनुअल में देखिए काम कैसे करता है इसके बारे में जानना है। अब प्लस ये भी जानना है कि हमारे फ्लॉट स्विच में जो कलर कोड लगा रहता है, मतलब उसका वायर लगा रहता है, कौन कौन से वायर जो होते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉमन में जो है हमारा, कॉमन में ब्लैक लगा रहता है। ठीक है ना, कॉमन में ब्लैक लगा होता है, जिसका मैं यहाँ पर राइटिंग में कर दिया हूँ। ठीक है ना, जैसे कॉमन में यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉमन जो है ब्लैक है, NC जो है ब्राउन, NO जो है ब्लू। ठीक है ना, तो फर्स्ट में हमारा यहाँ पर जो ये इक्विपमेंट है, यहाँ पर जो है क्या है, सिलेक्टर स्विच। ठीक है, जिसमें मैनुअल और ये ऑटो। ठीक है, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, ये जो है कॉन्टेक्टर कॉइल, A2 पर न्यूट्रल है, ये हमारा फ्लॉट स्विच है। ठीक है, तो ये जो है फ्लॉट स्विच है, तो इसका काम जो है, अभी मैं बताया कि फ्लॉट स्विच जो है पानी के टैंक में लगाया जाता है, जब पानी जो है भर जाता है, कोई बार बार तो जाके उसमें देखेगा नहीं, इसलिए भर जाता है तो मोटर को वो ऑफ करता है। अब पानी का लेवल जब डाउन हो जाता है यानी कि जब टंकी खाली होने लगती है तो फिर वो मोटर को स्टार्ट करता है। इसका ये कंट्रोल्ड वायरिंग डायग्राम है, जो कि समरसिबल का जो है कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, इसमें ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए कोई कोई होता है ना कि दो या तीन भी जो है फ्लॉट स्विच यूज करता है, दो या तीन, एक ऑन के लिए, ठीक है ना, और एक अलार्म के लिए और एक ड्राई के लिए। ठीक है ना, तो अभी जो है हम लोग ऑन ऑफ ऑन के लिए कर रहे हैं, कि जब मोटर जो है जब पानी में टंकी के, जब टंकी का लेवल जो है, पानी का लेवल टंकी में जब कम होगा तो हमारा मोटर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पर मैनुअल और ये ऑटो है, तो फर्स्ट में हम लोग मैनुअल के तरफ सिलेक्टर स्विच को करते हैं, अब मैनुअल के तरफ चलाते हैं। ठीक है, तो जब मैनुअल के तरफ जब करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेस होगा, यानी कि इसमें पावर सप्लाई आगे बढ़ेगा। ठीक है, पावर सप्लाई आगे बढ़ेगा स्टॉप से होते हुए यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन के इन पॉइंट तक। ठीक है ना, यहाँ से आओ। ठीक है, जब हम इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको जब प्रेस करेंगे तो हमारा सीधा सप्लाई आएगा कॉन्टेक्टर कॉइल A1 के पास। ठीक है ना, A2 पर हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, और उसके बाद से हमारा ये सप्लाई जा रहा है फ्लॉट स्विच के पास, सप्लाई फ्लॉट स्विच के पास जा रहा है। तो जब मोटर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये NC में रहेगा। ठीक है, NC में रहेगा तभी हमारा मोटर चलेगा, यानी कि पानी जो है पानी का लेवल टंकी में कम होगा तो जो है मोटर हमारा स्टार्ट रहेगी। जो पानी का लेवल
फुल होगा यानी कि भर जाएगा तो जो है मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा यानी कि ये एनो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये पावर का जो है कंट्रोल का वायरिंग डायग्राम है, ये पावर सप्लाई हमारा ऐसे चलता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि कैसे चलता है। देखिए तो यहाँ पर जो है ना इस यहाँ पर होल्डिंग पॉइंट बनाया हुआ है, ये मैं होल्डिंग पॉइंट बनाया हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं होल्डिंग पॉइंट। जो होल्डिंग पॉइंट के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि ये होल्डिंग पॉइंट कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो होल्डिंग पॉइंट जब ये प्रेस करेंगे ना तो ये हमारा जो कॉन्ट्रेक्टर जो है मैग्नेट को एनर्जाइज करता है, मैग्नेट को एनर्जाइज करता है और हमारा सप्लाई इधर से घूम के आता है। क्योंकि स्टार्ट उस बटन को तो प्रेस करेंगे तो प्रेस हो जाएगा, छोड़ देंगे तो छूट भी जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। अब देखिए मैनुअल, अब इसको ऑटो में, मैनुअल का ये प्रोसेस पूरा हो गया, अब देखिए ऑटो में, ऑटो में देखिए जब ऑटो में कीजिएगा तो फिर ये प्रेस होगा, हमारा जो है फ्लड स्विच के कॉमन में सप्लाई आएगा, फ्लड स्विच के कॉमन में सप्लाई आएगा। तो कॉमन में जब सप्लाई आएगा फिर वही प्रोसेस शुरू होगा कि जब पानी जो है कॉमन में सप्लाई आ जाएगा तो टंकी अगर फुल है, टंकी फुल है तो मोटर जो है स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि एनो जो है एनो ही रहेगा। और जो ही पानी का लेवल कम होगा तुरंत ये एनसी बन जाएगा, यानी कि उसमें सप्लाई आने लगेगा और हमारा जो है मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कहीं कहीं आप लोग देखेंगे अभी मैं बताया कि अगर टंकी फुल हो जाता है ना तो अलार्म भी बजता है, अलार्म बजता है, तो उसका रीजन उसका वायरिंग ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यही मतलब ये जो वायरिंग डायग्राम है, जो कंट्रोल का ये जो वायरिंग डायग्राम है फ्लड स्विच का, यही वायरिंग डायग्राम ठीक है रेन वाटर में और फ्रेश वाटर पंप में भी एकदम सेम टू सेम यही डायग्राम होता है इसका, यही डायग्राम यूज किया जाता है, ऐसे ही इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा चाहे कहीं भी काम कीजिएगा तो वहाँ का पैच जो लगा होता है, वहाँ पर लेबल होता है, वहाँ का इंस्ट्रक्शन जो होता है वो वायरिंग डायग्राम से भी होता है। तो वायरिंग डायग्राम भी देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वायरिंग डायग्राम समझना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो हैशटैग लगा के हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर दीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।